का डिवीजन कर रहे थे मान प्राइम, है ना। और कल हम लोगों ने देखा था अ जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, आ कल हम लोगों ने आ की मात्रा वाले शब्द देखे, ई की मात्रा वाले शब्द देखे और ई की मात्रा वाले शब्द देखे। यही तो किया था ना कल हम लोगों ने, छोटे आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा वाले शब्द कल हम लोगों ने पढ़े थे, छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। याद आया, यही मात्रा थी ना, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द, बड़े ऊ की मात्रा के शब्द, ऋषि की मात्रा के शब्द, ए की मात्रा के शब्द और ए की मात्रा के शब्द। यही मात्रा होती है ना, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे, दी से ऋषि की ऐसे, ए से ऋषि की ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे। तो कल हम लोगों ने इन मात्रा वाले शब्द पढ़े थे आ, ई और ई, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊ, ऊ री ए और ए। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम लोग, कौन सी मात्रा के आज शब्द पढ़ेंगे, ऊ ऊ री ए और ए। तो चलिए उन शब्दों को देखते हैं हम लोग जो किसकी मात्रा वाले हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, एनी और एनर। पढ़ा है ना ये सब आपने, तो ऊ फिर इसको पढ़ते ऊ री ए ए। तो आज हम लोग चलिए इनकी मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं, ओके। तो हम लोग आज मात्राएं देखने वाले हैं किसकी, उ उ री ए और ए। मतलब आज हम लोग इनकी मात्राओं के शब्द देखेंगे। अभी मैंने बताया ना उनकी मात्रा भी आपको दिखाई, और कल हम लोगों ने देखा था आ ई और ई की मात्रा के शब्द। तो चलिए पहले इनकी मात्रा को देख लें, इनको मैंने बोर्ड पर अभी आपको बताया ही, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा मैंने अभी आपको बताया ना, ये उसके सामने लगी हुई है। फिर देखिए बड़े ऊ की मात्रा उसके सामने लगी है, अभी मैंने आपको बोर्ड पर भी बताया। फिर देखिए री और उसके बाद ए, ए की मात्रा देखिए, फिर ए की मात्रा देखिए। सारी मात्रा आपको याद हो गई ना, छोटे ऊ की मात्रा को ऊ बोलते ऊ करके पढ़ेंगे, बड़े ऊ की मात्रा में थोड़ा जोर से बोलेंगे ऊ ऐसे, और री की मात्रा को री, ए की मात्रा को ए और ए की मात्रा को ए। मतलब जिस भी शब्द के, जिस भी अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी होंगी उनका उच्चारण हम इसी तरह करेंगे। जैसे कि अगर का पर ए की मात्रा लगी हो तो उसे पढ़ेंगे के, और का पे ए की मात्रा लगी होगी तो उसको पढ़ेंगे कै। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्द दिया है गा, गा पर छोटे ऊ की मात्रा और ड़ा, फिर इनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, गुड़, है ना। तो गा के साथ देखिए ऊ की मात्रा आ रही है ना, जब हम गुड़ पढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया जिस भी अक्षर के ऊपर, जिस भी वर्ण के ऊपर मात्रा लगी होगी तो उसको वैसे ही उच्चारण करेंगे। तो पहला शब्द क्या है, गुड़। फिर देखिए नीचे है री प्लस ता, तामर ता पर छोटे ऊ की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे तू, क्योंकि छोटे ऊ की है। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋतु, है ना। कौन सा शब्द हो गया, ऋतु। ऊपर कौन सा शब्द था, गुड़, और नीचे कौन सा शब्द हो गया है, ऋतु। ये दोनों शब्द किसके हैं, छोटे ऊ की मात्रा के, है ना। फिर देखिए इसके बाद का, का पर छोटे ऊ की मात्रा कु, फिर सा, सा पर छोटे ऊ की मात्रा सु और माँ। अब तीनों को हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुसुम। अब आप सोच रहे होंगे कुसुम क्या होता है, कुसुम फूल को बोलते हैं, देखिए सामने पिक्चर भी बनी हुई है ना। फिर देखिए दूसरा वर्ड है बा, बा पर छोटे ऊ की मात्रा बु, फिर ल,
फिर बा, बा पर छोटे की मात्रा बुल, फिर ला। अब इनको हम एक साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुल बुल, है ना। इसमें देखिए छोटे की मात्रा दो बार लगी है, कहाँ, दोनों बा पर लगी हुई है, तो पहले बुल फिर बुल, तो ये कौन सा शब्द हो गया, बुल बुल। और ऊपर हम लोगों ने कौन सा शब्द पढ़ा, कुसुम, है ना। जिस भी वर्ण के ऊपर या नीचे मात्रा लगी होगी उसी में हम लोग उस मात्रा का उच्चारण करेंगे। अब ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द आ गए, तो दा, दा पे बड़े ऊ की मात्रा दू, फिर धा, अब ये क्या हो गया, दूध, है ना। सामने देखिए चित्र भी बना है उसका, फिर नीचे दे रखा है दूसरा चा, चा पर छोटे बड़े ऊ की मात्रा चू, और हा, हा पे बड़े हा की मात्रा हा, इसको तेज से पढ़ेंगे ना, तो ये क्या हो गया, चूहा। तो कौन कौन से शब्द हैं बड़े ऊ की मात्रा के, यहाँ दूध और चूहा। और देखिए उनका चित्र भी सामने दे रखा है, दिखाई दे रहा है ना, देखिए दूध का चित्र ऊपर बना है और फिर चूहा, चूहे का चित्र देखिए, जहाँ चूहा लिखा है उसके सामने ही बना है, लेकिन इसमें चामर बड़े ऊ की मात्रा और हा पर बड़े आ की मात्रा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे शब्द, देखिए ख, अब ख में तो कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए उसको पढ़ेंगे ख। फिर जा, जा पर बड़े ऊ की मात्रा क्या हो गया, जू। फिर रा, अब रा पर भी कोई मात्रा नहीं है, अब इनको हम मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खजूर, ठीक है। फिर देखिए नीचे जो दिया है सा, सा पर बड़े ऊ की मात्रा सू, फिर रा और ज, रा और ज पर कोई भी मात्रा नहीं है, है ना, और सा पर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, सू। अब तीनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, सूरज, देखिए सामने चित्र भी बना है सूरज का, है ना। तो बड़े ऊ की मात्रा के कौन कौन से शब्द है, यहाँ पहला कौन सा है, खजूर, और नीचे कौन सा दे रखा है, सूरज। खजूर में देखिए जा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है और सूरज में सा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। फिर इसके बाद मा, मा पर बड़े ऊ की मात्रा मूंग, फिर रा और ता, और रा और ता पर कोई भी मात्रा नहीं है, केवल किस पर लगी है, मा पर लगी है, किसकी, बड़े ऊ की, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, मूंग, क्योंकि बड़ा ऊ है। अब तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मूरत। फिर उसके बाद देखिए मा, या पर बड़े ऊ की मात्रा यू, और रा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा किस पर लगी है, या पर, इसलिए उसको पढ़ेंगे यू। अब तीनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मयूर, है ना। तो देखिए जिस भी वर्ड पर लगी है मात्रा उसके साथ उसका, उसकी आवाज़ निकालेंगे, जैसे माँ पे ऊ की लगी है बड़े ऊ की, तो माँ के साथ बड़ा ऊ की आवाज़ देखिए, मू, फिर रथ, है ना, ऐसी मयूर में या पे बड़े ऊ की मात्रा तो मयूर। तो यहाँ दो शब्द कौन कौन से दे रखे हैं बड़े ऊ की मात्रा के, मूरत और मयूर। फिर देखिए इसके बाद अब री की मात्रा वाले शब्द, अ, मृी और त। इसे हमने मृी क्यों पढ़ा, क्योंकि माँ पर री की मात्रा है, इसलिए माँ के साथ री पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, मृी। अब तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा अमृत, ठीक। फिर देखिए नीचे क्री, श, क, क्योंकि पहले वाले क में री की मात्रा है तो उसको पढ़ेंगे क्री, फिर श और क, तो इन तीनों को जब मिला देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, कृषक। अब देखिए यहाँ पर री के मात्रा वाले कौन कौन से शब्द पढ़े हम लोगों ने, अमृत और कृषक। अमृत में री की मात्रा किस पर लगी है, मा पर, और कृषक में री की मात्रा किस पर लगी है, क पर, है ना, बाकी में कोई मात्रा नहीं लगी है। तो पहला शब्द कौन सा हमारा, अमृत, और दूसरा कृषक। अब इसके बाद क्या है, मा, मा पर री की मात्रा मृी और ग, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मृग। मृग किसे कहते हैं पता है, हिरण को, ये देखिए सामने बना हुआ है ना, फिर देखिए नीचे ग, ग पर री की मात्रा ग्री और ह, अब दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गृह, गृह यानी कि हर, देखिए सामने चित्र भी बना है।
तो कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर री की मात्रा वाले? मृग और गृह। मृग में देखिए री की मात्रा किस पर लगी है? माँ पर। और गृह में किसकी मात्रा लगी है, री की मात्रा किस पर लगी है? ग पर, है ना। तो दोनों शब्द कौन कौन से हैं? मृग और गृह। और देखिए दोनों के चित्र भी सामने बने, मृग यानी कि हिरण और गृह यानी कि घर। उसके बाद चलिए देखते हैं ए की मात्रा के शब्द। अब देखिए पा, पापा किसकी मात्रा? ए। क्या हो गया? पे और ढा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पेड़। देखिए सामने बना हुआ है ना। फिर उसके नीचे देखिए रा, रा पर ए की मात्रा रे और ला। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रेल। तो कौन कौन से शब्द हैं यहाँ? पेड़ और रेल। पेड़ में ए की मात्रा किस पर लगी है? पा पर। और रेल में ए की मात्रा किस पर लगी है? रा पर, है ना। तो ए की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द हैं यहाँ? तो यहाँ दो शब्द कौन कौन से हो गए? पेड़ और रेल। तो देखिए सामने इनके चित्र भी बने हुए हैं। पहले किसका बना है? पेड़ का। और नीचे किसका बना है? रेल का, है ना। ऊपर किसकी मात्रा लगी है, किस पर मात्रा लगी है? पा पर। नीचे रा पर। अब शब्द आगे आए खा, खा पर ए की मात्रा खे और ता। ये क्या हो? इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? खेत। और सामने देखिए खेत का चित्र भी बना हुआ है। खेत देखे होंगे ना आपने, वही वाले खेत। फिर नीचे देखिए रा, रा पर ए की मात्रा रे और त। और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रेत। रेत भी आप सब लोगों ने देखी होगी, है ना। तो ए की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द हैं यहाँ? खेत और रेत। अब खेत में किस पर ए की मात्रा लगी है? ख पर। और रेत में ए की मात्रा किस पर लगी है? रा पर। तो कौन कौन से शब्द हैं यहाँ? खेत और रेत। और दोनों के ही चित्र देखिए सामने दे रखे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग और देखते हैं ए की मात्रा वाले शब्द को। वो देखिए जैसे सा, फा, फा पे ए की मात्रा फे और द। क्या हो गया? अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद। फिर नीचे देखिए माँ, माँ पर ए की मात्रा में ह, न और त। अब सबको एक साथ जोड़िए, देखिए क्या शब्द बना? मेहनत। क्योंकि माँ पर ए की मात्रा लगी है इसलिए उसको पढ़ेंगे मे। फिर बाकी देखिए किसी पर कोई भी मात्रा नहीं है तो उसको पढ़ेंगे ह, न, त। अब सबको एक साथ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? मेहनत। तो यहाँ कौन कौन से शब्द हैं एक ही मात्रा के? सफ़ेद और मेहनत। अब देखिए सामने जो कलर है वो किस कलर के, और सामने जो रखे हैं वो सफ़ेद रंग के हैं ना। और नीचे देखिए बच्ची क्या कर रही है? मेहनत से पढ़ाई कर रही है ना। ऊपर फा पर एक ही मात्रा लगी और नीचे वाले शब्द में माँ पर एक ही मात्रा लगी है। अब देखिए पा, पापा ए की मात्रा पे और रा। ये कौन, दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? पैर। फिर उसके नीचे देखिए माँ, माँ पर ए की मात्रा मैं और ला। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कौन सा शब्द बनेगा? मैल। ऊपर कौन सा शब्द था? पैर। और नीचे कौन सा शब्द है? मैल। ऊपर देखिए पैर में किस पर ए की मात्रा लगी है? पा पर। और नीचे मैल, मैल में किसकी माँ पर किसकी मात्रा लगी है? ए की। किस पर? माँ पर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं और फिर ल, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मैल। ऐसे ही ऊपर पा पर ए की मात्रा है तो उसको पढ़ेंगे पे और र। और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पैर। फिर इसके अलावा कुछ और शब्द हैं देखिए, जैसे कि ना, ना पर ए की मात्रा ने। फिर ना, ना पर आ की मात्रा, क्या हो गया? नैना। यहाँ देखिए दो मात्रा आई है, एक ए की भी आई है और एक आ की भी आई है। तो जहाँ ए की मात्रा है उसको पढ़ेंगे ने और जहाँ पर आ की मात्रा से पढ़ेंगे ना। तो शब्द क्या हो गया? नैना। फिर देखिए नीचे है ता, ता पर ए की मात्रा ते, र
फिर देखिए ना पर दूसरी मात्रा लगी है काय की, बड़े आ की, तो ये क्या हो गया ना। अब जब इनको मिलाकर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तैरना। देखिए यहाँ भी दो मात्रा आई है ना, एक किसकी, ए की और एक आ की। आ वाली मात्रा वाले शब्द कल हम लोगों ने पढ़े थे है ना, तो वो तो आपको आते ही होंगे। आज हम लोग आगे की मात्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ पुरानी मात्रा भी आ गई है, लेकिन वो तो आपको आती ही है। तो यहाँ शब्द कौन सा हो गया, नैना और तैरना। अब देखिए था, था पर ए की मात्रा थे, फिर ला, ला पर आ की मात्रा ला। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, थैला। यहाँ भी देखिए दो मात्राएं, किस किस की, ए की और आ की। ए की मात्रा लगी है था पर और आ की मात्रा लगी है ला पर, और शब्द क्या हो गया, थैला। फिर नीचे देखिए माँ, माँ पर ए की मात्रा ना, ना पर आ की मात्रा, शब्द क्या हो गया, मैना। यहाँ भी देखिए दो मात्राएं हैं, एक ए की और दूसरी आ की। ए की मात्रा माँ पर लगी है और आ की मात्रा ना पर, तो माँ पे ए की मात्रा मैं, ना पर आ की मात्रा ना। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मैना। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी मात्रा पढ़ी, उ, री, ए और ए, है ना। और कल हम लोगों ने पढ़ी थी आ, ई और ई। इसके बाद कल हम लोग आगे की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको क्या करना होगा, होमवर्क, जितनी मात्रा वाले शब्द मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, आपको अपनी बुक खोलनी है, इन मात्रा वाले शब्दों को देखना है और उनको पढ़ना है। अब तो आपको पढ़ना आ गया होगा, है ना। फिर कल हम लोग आगे की मात्रा वाले शब्द देखेंगे, ओके।